भारतीय पुलिस सेवा के अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। अनुराग गुप्ता के द्वारा तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह से पुलिस मुख्यालय में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड का पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता एवं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी के द्वारा विदाई दी गई। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपने संबोधन में राज्य की जनता के प्रति अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए अपराध विधि व्यवस्था संधारण, आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना एवं पुलिस की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ रखना जिसमें पुलिस की बहाली, उनके पदोन्नति, समय समय पर विशेष प्रशिक्षण करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने संगठित अपराध, साइबर क्राइम, नशीले पदार्थ, महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को अपनी प्राथमिकता बताई। थानों की पुलिसिंग, पुलिस थानों में आम जनता के साथ पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा अच्छे व्यवहार, उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन, बुजुर्ग, कमजोर एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपनी उच्चतम प्राथमिकता बताई। पदभार ग्रहण के दौरान आर के मल्लिक, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक विद्युत वितरण, डॉक्टर संजय आनंद राव लाटकर, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान सुमन गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
ठीक है सर।